फोकस फोकस इशिता का फोकस फोकस फॉलो करना भाई ऑफ गया अभी अभी आदि सुबह उठ आदि आ जा नाराज में जाहिर सी बात है रमन से ही हूँ क्योंकि आमतौर पर उन्हीं से नाराज़ होती हूँ मैं लेकिन कारण यही है कि वो अपने बेटे को लेके बहुत लीनियंट है और उनकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग्स है अपने टीनेजर बच्चे को बड़े करने की वो बहुत ही गड़बड़ है एंड डेफिनेटली उस रास्ते पे ईशिमा को ये लगता है कि बच्चा बिगड़ जाएगा तो इसीलिए अब रमन पे हर बार तो गुस्सा कर नहीं सकते अभी गुस्सा आ भी नहीं रहा है लेकिन मैं फेक गुस्सा दिखा रही हूँ ताकि उनको मेरा पॉइंट पता चल जाए तो वो आई एम जस्ट फेकिंग माय एंगर लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कहीं ना कहीं आदि डांस क्लासेस करता है लेकिन आपने रखी हम दोनों ही सिखा देंगे क्या कोरियोग्राफी है तो हम देखेंगे बीच में कहीं पर आप लोग डांस सिखा दो आदि को नहीं एक्चुअली रमन ऐसा करने नहीं देंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि कोरियोग्राफर ही आके उस आदि को डांस सिखाए क्योंकि उनके हिसाब से एक कोरियोग्राफर अगर सिखाएगा तो आदि फर्स्ट आएगा कॉम्पिटिशन में मेरा ही कहना है कि वो प्रेशर में डांस सीख रहा है पैशन के लिए नहीं सीख रहा है विच इज़ अ रॉन्ग थिंग टू डू लाइक आपको प्रेशर में या किसी को दिखाने के लिए जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको वो करना चाहिए जो आपको सच में अच्छा लगता हो सो आदि फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ कर रहा है एंड आई डोंट फाइंड इट राइट क्योंकि अगर ये गर्लफ्रेंड शायद अगर ये बच्चा 18 साल का होता आई वुड हैव बीन ओके विद इट कि चलो ठीक है बच्चा बड़ा हो गया है ही इज नॉट इवन अ टीनेजर अभी तो टीनेजर ही नहीं पहुँचा एंड गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहा है तो ऑब्वियसली आई एम वेरी इनसिक्योर एंड वेरी टेंस फॉर हिम